हेलो स्टूडेंट्स, कॉस्टिंग में जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना वो है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड परिचालन लागत निर्धारण विधि। देखिए इसमें पढ़ते हैं अपन, अनेक संस्थाओं में वस्तुओं का उत्पादन नहीं किया जाता अपितु कुछ सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जैसे रेलवे कंपनी, बस यातायात कंपनी या ट्रक यातायात कंपनी। यातायात कंपनी द्वारा यात्रियों व माल के आवागमन की सेवा प्रदान की जाती है, तो जल प्रदाय कंपनी द्वारा पानी व विद्युत प्रदाय कंपनी द्वारा विद्युत आपूर्ति की सेवा प्रदान की जाती है। वस्तुओं की लागत की भांति ही इन सेवाओं की भी लागत होती है, अतः ये संस्थाएं अपने द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की प्रति इकाई लागत जानना चाहती हैं, जिससे कि वे प्रदान की गई सेवाओं की का प्रति इकाई मूल्य निर्धारित कर सकें। अगर जैसे बस में आप जाते हैं और एक जगह से दूसरे स्थान पर जाने का, मान लीजिए यहाँ से आप अगर दिल्ली जाते हैं तो यहाँ से दिल्ली जाने का एक व्यक्ति को एक सीट पर बिठा के ले जाने का उसका लागत कितनी होगी, ये जानना चाहेगी वो बस वाला, और ट्रेन वाला भी उससे आपसे। और मान लीजिए जो अपने ये लाइट आती है घरों में, तो एक यूनिट का कितना कॉस्ट आता है उसके हिसाब से वो ये जानना चाहेगी, तभी वो ये उसके जो वसूल की जाने वाली राशि है उसकी गणना वो कर पाएंगे। तो जो सेवाएं प्रदान करती हैं वे बिजनेस जो कोई उत्पादन, वे संस्थाएं जो किसी का उत्पादन काम नहीं करती, केवल सेवाएं प्रदान करती है, जैसे माल को इधर लाने ले जाने का, यात्रियों को इधर से उधर लाने ले जाने का, और बिजली आपको आपूर्ति करने का, पानी आपूर्ति करने का। होटल में मान लीजिए कि आप रहते हैं तो उस होटल में एक व्यक्ति के एक दिन ठहरने की लागत कितनी होगी उसका हिसाब वो लगाएगा, तभी वो उस होटल का किराया, कमरे का किराया डिसाइड कर पाएगा। तो इस प्रकार जो भी संस्थाएं उत्पादन काम नहीं करके सेवाएं प्रदान करती हैं वो संस्थाएं, देखिए इसमें वे की गई सेवा की प्रति इकाई मूल्य निर्धारित कर सके। ये देखिए, संस्थाएं अपने द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की प्रति इकाई लागत जानना चाहती है, जिससे कि वे प्रदान की गई सेवा का प्रति इकाई मूल्य निर्धारित कर सके। सेवा की प्रति इकाई लागत ज्ञात करने के लिए प्रयोग की जाने वाली विधि को ही ऑपरेटिंग परिचालन लागत निर्धारण विधि, सेवा लागत विधि भी कह सकते हैं, सर्विस कॉस्टिंग मेथड भी कह सकता है, और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मतलब किसी चीज़ को ऑपरेट करने की जो लागत होती है, उसको संचालित करने की जो लागत होती है वो होती है परिचालन लागत। तो परिचालन लागत का निर्धारण किस प्रकार होता है, देखिए परिचालन लागत का निर्धारण, परिचालन लागत निर्धारण करने का कार्य अनेक चरणों में पूरा किया जाता है। अंतिम चरण में परिचालन लागत पत्र तैयार करके सेवा प्रदान करने का प्रति इकाई मूल्य निर्धारित किया जाता है। इस उद्देश्य से सर्वप्रथम जिस प्रकार के कार्य के लिए परिचालन लागत की गणना करनी है उसकी प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। देखिए, प्रदान की गई सेवा की प्रकृति, सेवाओं की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार की सेवाओं का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। परिवहन सेवाएं, विद्युत पानी व गैस आदि की आपूर्ति संबंधी सेवाएं, होटल व आवास संबंधी सेवाएं, कैंटीन व मनोरंजन संबंधी सेवाएं और अन्य सेवाएं। ये मैंने आपको बताया था परिवहन सेवाएं, इसमें बस या ट्रक यातायात सेवा, रेलवे, ट्रामवे और वायु सेवा आदि सम्मिलित किए जाते हैं। इस प्रकार की सेवा यात्री सामान डाक ले जाने के लिए दी जाती है। फिर इसी तरह एक विद्युत पानी और गैस आदि की आपूर्ति संबंधित सेवाएँ, इस प्रकार की सेवाएं प्राय सरकारी एवं अर्ध सरकारी तंत्र द्वारा प्रदान की जाती है तथा प्रत्येक प्रकार की सेवाओं के लिए अलग प्रकार की लागत इकाई का प्रयोग किया जाता है। होटल एवं आवास संबंधी सेवाएं, जो होटल और आवास संबंधी सेवाएं प्रदान करती हैं, इस प्रकार की सेवाओं के संबंध में आवास तथा भोजन संबंधी सुविधाओं की लागत अलग अलग ज्ञात की जाती है। इसी तरह कैंटीन और मनोरंजन सुविधा की संबंधित सेवाएँ, कैंटीन किसी विभाग अथवा अन्य जनसाधारण के लिए सेवाएं प्रदान करती है। कैंटीन द्वारा अनेक प्रकार के खाद्य एवं पेय पदार्थों की आपूर्ति की जाती है, जिसमें कैसे प्रत्येक के लिए अलग अलग प्रति इकाई लागत ज्ञात की जाती है। इसी प्रकार की अन्य सेवाएं जैसे हॉस्पिटल है, सिनेमा है, पुस्तकालय है, ये इस प्रकार जो संस्थाएँ सेवा प्रदान करने का कार्य करती है वो अपनी
दी प्रदान की गई सेवा का प्रति इकाई लागत ज्ञात करेगी और उस लागत के आधार पर जिसको वो सेवाएं प्रदान की जाएगी उससे क्या वसूल किया जाएगा वो प्रति इकाई मूल्य या प्रति दिन के हिसाब से या प्रति किलोमीटर के हिसाब से जो भी होगा वो तय करेंगे। तो इस प्रकार ये विभिन्न प्रकार की सेवाएं जो दी जाती हैं उनमें इस प्रकार किया जाता है। अब देखिए इनमें किस प्रकार लागत की इकाई का डिसाइड होता है। देखिए बस ट्राम व रेलवे परिवहन अगर होगा तो प्रति यात्री किलोमीटर जानना चाहेगा कि भाई एक यात्री को अगर मैं 1 किलोमीटर यात्रा करवाता हूँ तो मेरे कॉस्ट कितनी आती है। इसी तरह जो माल परिवहन ट्रक या मालगाड़ी है वो प्रति टन किलोमीटर या प्रति क्विंटल किलोमीटर जानना चाहेगा कि 1 टन माल को या 1 क्विंटल माल को 1 किलोमीटर ले जाने का कितना खर्चा आता है। विद्युत आपूर्ति होगी तो प्रति किलोवाट घंटा जानना चाहेगी। जल आपूर्ति संस्था होगी तो वो प्रति गैलन घंटा या प्रति 1000 लीटर पर कितनी कॉस्ट आती है वो जानना चाहेगी। अस्पताल होगा तो प्रति रोगी दिवस या प्रति पलंग दिवस जानना चाहेगा कि इतने रोगी एक रोगी अगर 1 दिन हॉस्पिटल में भर्ती रहे तो उसका कितना किराया आता है या कितना लागत लगती है। कैंटीन प्रति व्यक्ति भोजन, 1 व्यक्ति को अगर भरपेट भोजन करवाया जाए तो उसका कितना लागत आएगी। या प्रति कप चाय, मान लीजिए चाय के लिए है तो 1 कप चाय का कितना कॉस्ट आती है। होटल प्रति कमरा प्रतिदिन, वही 1 कमरा अगर 1 दिन तक ऑक्यूपाइड रहता है तो उसकी लागत कितनी आएगी। सिनेमा या थिएटर होगा तो प्रति व्यक्ति प्रति शो जानना चाहेगा कि 1 व्यक्ति अगर 1 शो देखता है सिनेमा हॉल में बैठकर तो उसकी कितनी कॉस्ट आती है। ऐसे पुस्तकालय प्रति सदस्य प्रतिदिन, सड़क अनुरक्षण प्रति। तो इस प्रकार ये लागत इकाइयां हैं और अपने सिलेबस में केवल ये अपने सिलेबस में जो है वो इसमें से केवल ये बस ट्रक और माल परिवहन सेवाएं यही हैं। तो इसमें अब आप देखिए कि इसमें किस प्रकार परिवहन लागत का निर्धारण किस प्रकार होता है। देखिए परिवहन लागत निर्धारण, ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग। परिवहन लागत निर्धारण का प्रमुख उद्देश्य ट्रकों, यात्री बसों, रेलगाड़ियों, ट्राम इत्यादि द्वारा प्रदान की गई सेवा की प्रति इकाई लागत का निर्धारण कर माल अथवा यात्री को ले जाने का किराया निश्चित करना होता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसे निम्नलिखित कार्य करने होते हैं। सर्वप्रथम एक निश्चित अवधि 1 माह, 3 माह या 6 माह या 1 वर्ष की सेवा संबंधी व्ययों का संग्रहण किया जाएगा। संग्रहित व्ययों को स्थिर और परिवर्तनशील दो प्रकार में वर्गीकृत करेंगे कि कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो फिक्स होते हैं और कुछ वेरिएबल होते हैं। परिवहन इकाइयों की गणना की जाएगी कि परिवहन इकाइयां कितनी हैं, कितने यात्रियों को कितने किलोमीटर ले जाया गया या कितने टन माल को कितने किलोमीटर ले जाया गया वो। परिचालन लागत पत्र बनाकर प्रति इकाई सेवा प्रदान की जाने की लागत ज्ञात की जाएगी। तो इस प्रकार जब विभिन्न खर्चे होंगे तो उन खर्चों को 2 भागों में बांट दिया जाएगा, फिक्स्ड और वेरिएबल, और फिर ज्ञात किया जाएगा। परिवहन इकाइयों की गणना की जाएगी, फिर परिवहन इकाइयों का उस खर्चे में अगर भाग लगा दिया जाएगा तो वो राशि आ जाएगी आपके एक यात्री वो मतलब उसके हिसाब से कॉस्ट आ जाएगी। अब देखिए परिवहन व्ययों का वर्गीकरण, परिवहन व्ययों का वर्गीकरण, परिवहन लागत पत्र तैयार करने हेतु सभी व्ययों को निम्नलिखित शीर्षकों में विभाजित किया जाता है, स्थायी व्यय और परिवर्तनशील व्यय। स्थायी व्यय ऐसे व्यय जिनका संबंध गाड़ी के परिचालन से नहीं होता कि मतलब गाड़ी चलेगी तो लगेगा, नहीं चलेगी तो नहीं लगेगा। ऐसे खर्चे जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, चाहे वो गाड़ी चले चाहे नहीं चले, समय से होता है उनका, उनका मतलब परिचालन से संबंध नहीं होता है, समय से संबंध होता है, स्थायी व्यय कहलाते हैं। इस वर्ग में लाइसेंस की फीस, बीमा प्रीमियम, सड़क कर, गैरेज किराया, वाहन कर, कार्यालय कर्मचारी एवं पर्यवेक्षण कर्मचारियों का वेतन, संचालकों की फीस, पूंजी पर ब्याज और चालक, परिचालक एवं खलासी की मजदूरी अगर उनको समय अनुसार दी जाती है। समय अनुसार का मतलब है महीने की या 6 महीने की या वार्षिक, मतलब जो भी है उनका अगर महीने से फिक्स है तो फिर वो फिक्स्ड स्थायी व्ययों के अंतर्गत आते हैं, आदि को सम्मिलित किया जाता है। इसमें वो गाड़ी चले या नहीं चले उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि लाइसेंस फीस पूरे साल भर की या एक बार जो लगती है वो लगेगी लगेगी, प्रीमियम जो साल भर का जो फिक्स है वो लगेगा लगेगा चाहे गाड़ी चले चाहे नहीं चले। तो ये इस प्रकार के खर्चे हैं कि इनका परिचालन से संबंध नहीं होता है, समय से संबंध होता है, वो फिक्स्ड चार्जेज होंगे। सॉरी,
अब होंगे परिवर्तनशील व्यय, वेरिएबल चार्जेस, जिनका संबंध गाड़ी के परिचालन से है। अगर गाड़ी चलेगी तो लगेंगे, अदरवाइज वो खर्चे नहीं लगेंगे। जैसे वाहन का डेप्रिसिएशन, डीजल, पेट्रोल, मोबिल ऑयल, ग्रीस, टायर, ट्यूब, बैटरी का ह्रास, डेप्रिसिएशन, चालक, परिचालक एवं खलासी की मजदूरी, यदि उनको समय दूरी के हिसाब से चुकाई जाती है, कि मतलब आप जितना किलोमीटर चलोगे उसके हिसाब से अगर उनका तय है उनकी मजदूरी, तो फिर वो वेरिएबल में आएगी। तो इस प्रकार ये खर्चे ऐसे हैं जो कि परिवर्तनशील हैं, मतलब वाहन चलेगा तो डीजल, पेट्रोल, ऑयल, ग्रीस, टायर, ट्यूब, बैटरी का ह्रास, ये सब कब होगा? जब वो वाहन चलेगा। तो इस प्रकार जो भी खर्चे होंगे, जितनी अवधि का हमें कॉस्ट का डिसाइड करना है, उस अवधि के लिए पहले 2 महीने, 4 महीने, 1 महीना या साल भर का पूरे खर्चों का को इकट्ठा करेंगे। उन खर्चों को 2 भागों में बांटेंगे, एक फिक्स चार्जेज और एक वेरिएबल चार्जेज, और फिर दोनों का टोटल करके पता चलेगा कि टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है। तो इस प्रकार अब आगे नेक्स्ट क्लास में बताएंगे इसके बारे में। अभी यहीं तक आप देखिए इसमें कि किसी भी चीज़ को ऑपरेट करने की जो लागत आती है उसको ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कहते हैं, और किस प्रकार इसमें खर्चों का डिवाइडेशन करके और हम कॉस्ट शीट बनाते हैं। थैंक यू।